आप देख रहे हैं आरएनए, मैं हूं आपके साथ रियाज जरगर। इस वक्त मैं तहसील बटोत और पंचायत लदवाल में मौजूद हूं। यहां पे एक घर है और घर के पीछे एक स्लाइड आई हुई है। स्लाइड इनका यहां पे मवेशी खाना था, मवेशी खाना इनका गिर गया है और स्लाइड आई है। स्लाइड आने के बाद यहां पे आप देख रहे हैं कि ये पेड़ भी गिर चुका है। इनका नीचे मकान है, आप देख सकते हैं, इस मकान को भी खतरा हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त इसके मालिक, इस घर के मालिक और जिनका मवेशी खाना है, ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आए जी, तो इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या इन्होंने कहीं एप्लीकेशन दी या यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन के कारकुन जो यहाँ पे आए या नहीं आए, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे आरएनए। सर, मेरा नाम दर्शन चंद है जी, मैं सोशल वर्कर भी हूँ जी। और सबसे पहले मैं आरएनए का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ इन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में आकर हमारा कोई जहाँ पे आने का कष्ट किया। और सबसे पहले मैं सर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जरगर साहब का, जो रिपोर्टर है हमारे यहाँ के। शाना बेशाना जब भी कोई किसी को कोई नुकसान होता है या तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं, तो सबसे मैं पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, ये आप देख रहे हैं कि ये जो पीछे बारिशें हुई हैं, बर्फ़ पड़ने की वजह से ये सर हमारा पूरा ऊपर से क्रैक हो चुका है। ये आप देखते हैं कि पेड़ जो है ये नीचे चला गए हैं और ये हमें जो मकान जो है ये प्रधानमंत्री योजना के तहत हमें जो मिला था तो इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। मैं पहले तो सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके जिन्होंने गरीबों का ये ख्याल किया। और सर, आपके आने से हमें बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि आप शाना बेशाना हमारी आवाज़ ऊपर हाई कमांड तक पहुँचाते हैं। तो आप देख रहे हैं सर कि ये स्लाइड आने की वजह से हमारे पूरे मकान को खतरा हो चुका है। ये पूरा मोहल्ला है, कम से कम 10-15 घर हैं। तो ये मकान एक तो गिर चुका है, दूसरे का भी अंदेशा है कि ये दूसरी बारिशें आएंगी तो ये मकान भी सर डैमेज हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि स्लाइड किस तरीके से आई है, ये पूरा एरिया ऊपर तक क्रैक हो चुका है। और पहले जो हमारे डीडीसी जो है जगवीर दास, वो भी मौके पे आए हुए थे, हमारे बीडीओ साहब जो प्लान रखने के लिए इन्होंने यहाँ पे हमारे पंचायत में प्रोग्राम रखा था, तो उनको भी हमने ये मौका दिखाया था सर। तो डीडी साहब ने तो हमारी बहुत सपोर्ट की और वीडियो साहब को भी यहाँ पे बुलाया और मौका दिखाया, लेकिन वीडियो साहब ने साफ इनकार कर दिया है कि हम ये किसी को प्रोटेक्शन द्वार नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम बड़े प्रोजेक्ट लेते हैं, छोटा हमें छोटे जो द्वारे शिवारे या किसी के मकान के पीछे द्वारे देना हमारा काम नहीं है। अफसोस की बात है सर, मेरा मकान जा रहा है, ऊपर से स्लाइड आई हुई है और वीडियो साहब के कह रही हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये हम बड़े प्रोजेक्ट लेते हैं। देहात में जो सर वीडियो साहब का काम होता है कि किसी का मकान गिर रहा है या किसी का कोई मकान को खतरा है, वहाँ तो प्रोटेक्शन देना इनका काम है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वीडियो साहब ने यहाँ प्रोटेक्शन दीवार देने से साफ इनकार कर दिया। और डीडी साहब ने ये आश्वासन दिया है कि मैं अपने फंड से जितनी भी मदद हो सकेगी मैं अपने फंड से मदद करूँगा, लेकिन अब आगे क्या करते हैं, देंगे मदद या नहीं देंगे, उन पर डिपेंड करता है। तो आप सर कैमरा मार कर देख सकते हैं कि पूरे मोहल्ले को खतरा हो चुका है, ये ऊपर तक जितना भी एरिया है ये डैमेज हो चुका है। तो मैं डीसी साहब से और हमारे प्रधानमंत्री साहब से और जो एलजी हमारे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमें गरीबों को मदद दी जाए किसी तरीके से भी। हमें कम से कम ये 2-3 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है सर, मैं गरीब आदमी हूँ, सोशल वर्कर हूँ, तो मेरी मदद की जाए सर, मैं गवर्नमेंट से यही अर्ज़ करता हूँ जी। आप मेरे को बताएं कि तहसीलदार साहब के पास आप गए? सर, मैंने तहसीलदार साहब को भी एप्लीकेशन दी है, उन्होंने रिपोर्ट बनाकर डीसी साहब को दे दी है और वो पटवारी साहब भी जहाँ पे मौके पे आए उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की, उसी दिन रिपोर्ट बनाई और दूसरे दिन उन्होंने रिपोर्ट जो है सेमेंट डीसी साहब को दे दी। तो वीडियो साहब ने क्यों इनकार किया ये प्रोटेक्शन वाल के लिए, क्या वजह क्या रही इसमें?
सर मुझे वही पता नहीं चलता है कि जो ब्लॉक ऑफिसर हैं, हमारे पंचायत के ऑफिसर हैं, जो क्योंकि पंचायतें उनके अंडर आती हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मेरे ये प्रोटेक्शन हम नहीं दे सकते हैं। मुझे वही पता नहीं चल रहा है सर कि ये तो ब्लॉक का काम, उनको उनको ही देखना है सर। जो DC साहब तो ब्लॉक में नहीं पहुँच सकते हैं, ब्लॉक का काम तो BDO साहब ही देखते हैं, लेकिन उन्होंने इनकार क्यों किया ये मुझे भी पता नहीं चला सर कि उन्होंने ये क्यों कहा कि हम प्रोटेक्शन किसी के मकान के पीछे नहीं दे सकते। आप देख रहे हैं ये पंचायत का रास्ता बना हुआ है, ये लाइटें PDA वालों ने लगाई हुई हैं, ये लाइटें भी नीचे जाने का अंदेशा बन गया है, ये रास्ता भी ब्लॉक वालों का नीचे जा रहा है, और जहाँ से कम 300-400 आदमी जो है इस रास्ते से गुजरता है। वो BDO साहब ने ये क्यों कहा, मुझे ये अफसोस की बात है कि मुझे पता नहीं चला कि उन्होंने इनकार क्यों किया और किस वजह से किया सर। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि दर्शन चंद जी ने जो बताया कि BDO साहब ने इनकार कर दिया कि हम ये प्रोटेक्शन वाल नहीं देंगे, वो BDO साहब ही जाने क्यों इनकार किया, क्योंकि आप देखते हैं जो ये रास्ता है, ये रास्ता जो है ये पंचायत हमारी एक चकवा पंचायत आती है उसको भी जोड़ता है, और यहाँ से लोगों का काफ़ी आना जाना रहता है। तो देखें आप, ये घर है इनका, एक मिनट आपको दिखाने की कोशिश करते हैं हम। ये इसके ओनर हैं, मालिक हैं, और इन्होंने यहाँ पे मवेशी खाना बनाया था, माल खाना यहाँ पे ये नया बनाया था इन्होंने, लेकिन बर्फ़बारी और बारिशें ज़्यादा होने के कारण ये निकल पड़ी यहाँ पे, ये डैमेज हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये सेब का पेड़ है, ये भी इनके लेंटर पे आ गिरा है, और आप देख रहे हैं कि ये जो पीछे एक और मवेशी खाना है वो भी नीचे आ सकता है, क्योंकि बारिशें आगे तो होनी है। अगर इसको जल्द से जल्द इस दीवार को नहीं दिया गया तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, ये रास्ता भी डैमेज हो सकता है जो ब्लॉक की तरफ से बनाया गया है, और यहाँ पे PDA ने यहाँ पे लाइट्स लगाई गई हैं, उसका भी नुकसान हो सकता है, लोग अंधेरे में चलेंगे कैसे चलेंगे। ये एक गांव हमारा जो है ये पंचायत लदवाल में है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इस मकान को भी खतरा है, ये भी इसकी दीवार भी गिर सकती है, अगर और पसी यहाँ पे आ गई तो इस मकान को खतरा हो सकता है, ये मकान गिर सकता है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहाँ रहेंगे, ये एक सोचने का विषय है। आप देख सकते हैं बाकी यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है, इसको BDO साहब ने देखना चाहिए और जल्द से जल्द इसका काम करवाना चाहिए, ताकि ये रास्ता जो है रास्ता भी बच जाए और इनका मकान बच जाए, बाकी यहाँ पे घर हैं उनको भी खतरा है, उनका भी नुकसान हो सकता है, कभी जानी नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनका काम जो है वो जल्द से जल्द किया जाए। बने रहें आप RNA के साथ, मैं आपके साथ रियाज जरकर।